रायबरेली में तेज रफ्तार बाइक सवार ने पैदल जा रहे युवक को जोरदार टक्कर मारी। युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई और बाइक सवार तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सरीनी थाना क्षेत्र के नया पुरवा गांव के पास की ये घटना है। रायबरेली में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बिना सेफ्टी किट के संविदा कर्मी खंबे में चढ़कर लाइन बना रहे थे। जान जोखिम में डालकर ये काम करवाया जाता है, इसका वीडियो वायरल हुआ है। आए दिन संविदा कर्मी हादसे का शिकार हो रहे हैं और जिम्मेदार जानकर भी अनजान बने हुए हैं। शहर कोतवाली क्षेत्र के गौरा बाजार के पास की एक घटना है। रायबरेली जनपद के गुरु भगतगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत वेद और गांव के पास नशे में धुत तेज रफ्तार बाइक सवार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई, जिससे दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों की सूचना पर डायरेक्ट 112 पुलिस ने सरकारी वाहन से उन दोनों को अस्पताल पहुंचाया, जबकि बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। एक की हालत नाजुक बताई जा रही है और ये लोग देदौर और सरैया के बीच एक पुलिया के पास हादसे में घायल हुए हैं। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में रेलवे ट्रैक के किनारे एक महिला का शव मिला है। मौके पर जीआरपी के साथ एसएचओ हरचंदपुर सहित फोर्स मौके पर मौजूद थी। महिला की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हरचंदपुर थाना क्षेत्र के कनहट क्रॉसिंग के पास का ये मामला है। रायबरेली में पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी की मौजूदगी में थाना प्रभारियों ने दौड़ लगाई। पुलिस लाइन में परेड के दौरान थानेदारों ने ये दौड़ लगाई है। एसपी ने परेड का नेतृत्व किया और शहर के पुलिस लाइन में इस परेड का आयोजन किया गया। भाजपा पर हमलावर होते हुए अमेठी के कांग्रेसी नेता दीपक सिंह ने कहा है कि चोर की दाढ़ी में तिनका वाली कहावत भाजपा ने चरित्रार्थ कर दी। भाजपा को भगवान गौतम बुद्ध और गौतम ऋषि नहीं गौतम अडानी सुनाई और दिखाई पड़ता है। देश में अघोषित इमरजेंसी है, पवन खेड़ा जी को एयरपोर्ट से रोकने के बाद ही प्रमाणित हो चुका है और उस बात पे रोका गया, उस पार्टी की सरकार ने रोका है जिस पार्टी के मुखिया देश के प्रधानमंत्री जी ने बेटी पढ़ाओ पर अपशब्द बोले, जिनकी स्पीच स्लिप हुई, जिस प्रधानमंत्री जी ने जानबूझकर कई मंत्रों का उच्चारण किया, कांग्रेस के लोगों को जानबूझकर अपशब्द बोले, तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी इसी संस्कृति में बचरस रही है कि भारतीय जनता पार्टी की दाढ़ी में तिनका है वो चरितार्थ हो रहा है। हमारे देश ने भगवान बुद्ध दिया है, गौतम ऋषि दिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को गौतम अडानी के अलावा दिखाई सुनाई नहीं पड़ता। ये बात देश की जनता चरितार्थ मान रही है कि चोर की दाढ़ी में तिनका की कहावत सुनी थी, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के ऊपर पूरी तरह से लागू होती है। और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के अधिवेशन में या इसके पहले जो जो चीजें कर रही है, अत्याचार कर रही है, सूत ब्याज सहित देश की जनता 2024 में भाजपा को वापस करेगी। अमेठी में बेहतर यातायात व्यवस्था के संचालन एवं संदिग्धों पर सतत निगरानी करने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक अमेठी द्वारा मॉडर्न पुलिस बूथ सब्जी मंडी थाना गौरीगंज का उद्घाटन किया गया। सुल्तानपुर और अमेठी की सबसे पहले और सबसे तेज खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें नाउ 44 न्यूज चैनल।